उरई के सुशील नगर में जो कि सुरभि पब्लिक स्कूल बना हुआ है और डायरेक्ट ही रूबरू होते हैं प्रिंसिपल जी से और पूछते हैं क्या क्या सुविधा मैम दे रही हैं अपने स्कूल में बच्चों के लिए और सुरक्षा के संबंध अनेक बातें करते हैं। अगली आवाज़ प्रिंसिपल जी की। मैम आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अनिता राव जी। मैम आपका स्कूल कहाँ खुला हुआ है, किस नाम से खुला हुआ है? मेरे स्कूल का नाम सुरभि पब्लिक स्कूल जालम रोड चन्नी के पास। मैम आपके स्कूल में सुविधाएं क्या क्या हैं बच्चों के लिए? बच्चों के लिए सारी सुविधाएं हैं, जैसे पंखा है, जनरेटर है और खेलने के लिए मैदान है और यही सब सारी सुविधाएं हैं बच्चों के लिए। मैम सुरक्षा से संबंधित क्या क्या चीज़ें आपके पास? आप जैसे सुविधाओं के लिए तो ये है, जैसे मैं अपना बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है तो हम उन्हें यहीं पे हम उनका थोड़ा हल्का फुल्का जो रखते हैं दवा वगैरह तो वो दे देते हैं। अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो हम उनके पेरेंट्स को बुला के हॉस्पिटल खुद साथ में ले जाते हैं और जाते हैं। मैम क्या आपके स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग हुआ करती है? हाँ जी। और मैम आपके स्कूल में 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को इन प्रोग्राम हाँ, बच्चों के? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आपका स्कूल मैम प्लान क्या है भाई, आपका स्कूल 8 तक है, आगे का प्लान आपने उद्देश्य क्या बनाया हुआ है? अब जब मैंने 8 तक विद्यालय खोला ही है तो मेरा प्लान ये है कि मैं आगे इंटर और BA BSc तक कोशिश करती हूँ कि मतलब आगे भगवान की इच्छा हुई तो खोल लेंगे। और मैम सुविधा से रिलेटेड जैसे बच्चों के लिए लाइट जाने के बाद क्या फैसिलिटी? जनरेटर है, इन्वर्टर है, सारी सुविधा। पानी की क्या सुविधा है मैम? RO लगा हुआ है और फिल्टर रहे वगैरह सब। आज स्कूल की पड़ताल करने के बाद यही मैसेज आया कि सारे स्कूल के अंदर सारी फैसिलिटी, चाहे वो पानी से हो, चाहे वो वॉशरूम अलग अलग बने हुए हैं, सभी क्लासों में बच्चे भरपूर पढ़ा करते हैं और आते हैं। डिसिप्लिन को लेकर इतनी अच्छी फैसिलिटी स्कूल में वातावरण बना हुआ है, इसी के साथ इनका उद्देश्य यही है।